अंटल लोगो वेलकम बैक। देखो भीड़ो, मारुति के बारे में तुमको पता ही होगा। क्या? यही कि मारुति सुजुकी ने अक्खा गाड़ियों का मार्केट में सदियों से कब्जा करके रखा मियाँ। जो सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट है ना, जब भी खोलो बस मारुति ही मारुति नजर आने का। बोले तो मारुति का तगड़ा भोकाल था। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। थोड़ा बहुत लफड़ा ह्यूंडई से होता, लेकिन वो भी लिस्ट में मारुति से नीचे। और अपनी देसी कंपनी बोले तो टाटा महिंद्रा की गाड़ियों का तो इन सब से कुछ लेना देना ही नहीं था। अरे यार, ऐसा कैसे सोचते हैं? क्योंकि इनकी चूरन माफिक सेल्स मारुति के आसपास भी नहीं फटकती। गजब बेइज्जती है। तो बिड़ू, ऐसे हालात थे आज से 5 साल पहले, जब कोई ये कहता कि टाटा को भी टॉप 5 बिकने वाली गाड़ियों में होना मांगता तो अपन का एक ही रिएक्शन होता, अरे पागल है साला। ये उतना ही नामुमकिन था जैसे नेता लोगन के वादे। लेकिन समय बदला, वक्त करवट मारा और फिर वो हुआ जो अपन को लगता था कि कभी नहीं होगा। कैसे हो सकता है ये? टाटा ने 2017 में अपने को जो ये नेक्सॉन नाम की रापचिक गाड़ी दी, उसने धीरे धीरे ऐसा धंधा जमाया कि ये टॉप 10 तो क्या, सीधा टॉप 5 गाड़ियों में जगह बनाई, जो पिछले 2 साल से जारी है। सेल्स के मामले में नेक्सॉन ने मारुति की बेस्ट सेलिंग एसयूवी ब्रेजा की भी हवा टाइट कर दी। तो बिड़ू, आज की तारीख में टाटा मोटर्स हर महीने 12 से 15 हजार नेक्सॉन आराम से सल्टा रही। आखिर ऐसा क्या है कि टाटा नेक्सॉन इतना सितम ढा रही, अक्खा पब्लिक को इतना पसंद काई को? बिड़ू, इसी मुद्दे पे आज बात होगी। लेकिन उससे पहले जो भी येड़ा लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, क्यों नहीं कर रहे? किसी समय टाटा की गाड़ियों का स्टाइल फुलटू थकेला हुआ करता। गाड़ी कोई भी हो, सब में बस इंडिका नजर आने का। बात तो सही है। तो बिड़ू, टाटा ने सबसे पहले गाड़ियों की शक्ल सूरत संवारने का ठाना, जो टाटा ने बखूबी कर दिखाया। अपुन की माने तो आज की डेट में टाटा की हर गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट लुकिंग गाड़ी होने का क्या बोलता? ये करेक्ट लड़का है इस घर में। इसी तरह टाटा नेक्सॉन जब 2017 में आई तो पहली बार जब सड़क पे दौड़ते देखा, भेजा कंफ्यूज पड़ गया कि ये कौन सी कार है मियाँ। लुक ऐसा रापचिक कि टाटा का ख्यालिच नहीं। लेकिन बीड़ू, जब टाटा का लोगो देखा तब समझ आया, अरे देवा, कि ये तो टाटा ही है। कहने का मतलब ये है कि टाटा नेक्सॉन ने लोगो का नजरिया ही बदल दिया। अपने लुक्स के दम पे ये ब्रेजा और एकोस्पोर्ट जैसी जमी जमाई गाड़ियों को हिला डाला। क्यों हिला डाला ना? हालांकि नेक्सॉन में एसयूवी का लुक थोड़ा हल्का था और पब्लिक को मांगता था एसयूवी जैसा लुक, इसलिए टाटा ने टाइम खोटी किए बिना 2020 में नेक्सॉन को ऐसा फेसलिफ्ट दे मारा कि नेक्सॉन तो फुलटू झक्कास हो गई। बिड़ू, बोले तो रेंज रोवर इवोक वाली फीलिंग। इसके बाद नेक्सॉन की सेल्स का ग्राफ तो ऐसे बढ़ा कि टाटा को खुद को ही यकीन नहीं। मैं नहीं मानता। टाटा ने नेक्सॉन को स्टाइल के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने पे खर्चा पानी किया, क्योंकि पब्लिक को सबसे पहले यही तो मांगता कि गाड़ी कितनी काम की है मियाँ, वो क्या है ना, रोड़ी बजरी रेता सीमेंट सब उठाने का। ये क्या बकवास कर रहा है? मतलब नेक्सॉन का खोपचा खुल्लम खुल्ला, बोले तो स्पेशियस, बूट स्पेस भी झक्कास, और बिड़ू ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस का अलग ही फायदा। तेरे को परफॉर्मेंस मांगता तो 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, हालांकि रिफाइनमेंट का थोड़ा लफड़ा सह लेंगे थोड़ा सा। तेरे को माइलेज की चिंता तो ये ले डीजल इंजन, और अगर बिजली का शौक है, मतलब बिजली धारी गाड़ी मांगता तो टाटा ने नेक्सॉन ईवी उठा के रख दी। इसके अलावा नेक्सॉन की सेल बढ़ाने वास्ते टाटा ने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल कर एक ऐसी धांसू स्कीम बनाई। स्कीम कुछ ऐसी, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, कि कस्टमर को इतने ऑप्शन फेंक के मारो कि कुछ ना कुछ उठाई ले। बिड़ू, ऐसा है, हर कस्टमर की अपनी अलग ही डिमांड, किसी को कोई फीचर मांगता तो किसी को कुछ। लेकिन टाटा वाले निकले बड़े शाणे, कि नेक्सॉन के इतने सारे वेरिएंट बना दिए कि कस्टमर की जरूरत के हिसाब से कोई ना कोई वेरिएंट सेट हो जाता। बोले तो इस सेगमेंट में ना सबसे ज्यादा वेरिएंट सिर्फ नेक्सॉन में मिलेंगे। टाटा ने एक और झोल किया, ये इलेक्ट्रिक सनरूफ का फीचर कुछ लोअर वेरिएंट्स में भी डाल दिए, जिससे नेक्सॉन इस सेगमेंट की सबसे कम रोकड़े में इलेक्ट्रिक सनरूफ वाली गाड़ी बन गई। ये हुई ना बात। और ये तो पता ही होगा कि आजकल हम खजूल लोगों को सनरूफ का बड़ा कीड़ा, बावजूद इन सब के नेक्सॉन के लिए इतना आसान भी नहीं था मियाँ जितना लगता। देखो भाई लोग, जब सामने में मारुति हो जिसने पूरा ऑटो मार्केट में अपना इलाका मजबूत कर रखा, तो वहाँ घुस के मारुति से पंगा लेना उतना आसान भी नहीं था। बहुत मुश्किल है। मारुति ने 2 नियम सेट किए थे, एक तो माइलेज और दूसरा कीमत। बोले तो बंदों को सबसे पहले यही जानने का था कितना देती है।
और फिर रोकड़ा। टाटा ने सोचा कि अगर मारुति से निपटने का तो खेल के नियम बदलने होंगे, और बिड़ू 2020 में ये नियम बदल गए और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। जब नेक्सॉन ने ग्लोबल NCAP की सुरक्षा परीक्षा में धमाका किया, कट टू कट बोले तो टाटा नेक्सॉन भारत की पहली 5-स्टार सेफ्टी वाली गाड़ी बनी। हमारे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई। यहीं से ऐड हुआ सेफ्टी का ये नियम। जो खजूर लोग कभी माइलेज पहले देखते, वो लोग अब इतने शाणे हो गए कि सेफ्टी की बात करने लगे। इसी बात का फायदा नेक्सॉन को मिला। सेफ्टी के दम पे ही नेक्सॉन ने क्रेटा ब्रेजा की वाट लगाई, और आज की तारीख में नेक्सॉन ने सेल्स के मामले में ऐसी भनकस मचाई कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग देसी कार बन गई। ये तो साला हो नहीं था। हो सकता है कि तुम लोग सोच रहे हो कि अपुन टाटा का कोई अंधभक्त या चमचा होएगा। बहुत ही याराना लगता है। तो भाई लोग, दिमाग में लोड नहीं लेने का, क्योंकि अपना मिशन एक ही था, तुम पंटरों को मजे में यहाँ तक लाके ये वीडियो लाइक कराना और चैनल सब्सक्राइब कराना। तो चुपचाप कर दो। जय हिंद।